रोज एक जैसी सेटिंग को देखकर जब हम बोर होने लगते हैं तो छोटा सा एक चेंज हमारे रूम का लुक ही बदल देता है। अपने लिविंग रूम में कोजी सा कॉर्नर क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ एक अपने ओल्ड ट्रंक को यूज़ किया है और उसके ऊपर एक मैंने रग बिछा दिया। आप चाहें तो फोम की शीट या फिर कोई रुई का गद्दा भी बिछा सकते हैं। इसको खूबसूरत लुक देने के लिए यहाँ मैं नेक का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। कंफर्टेबल सिटिंग के लिए यहाँ मैंने कुशंस को यूज़ किया हैगा। यहाँ कुशंस मैंने ऊपर भी रखे हैं और नीचे भी रखे हैं। आप चाहें तो नीचे बैठ के आराम से अपनी मैगजीन्स पढ़िए, लैपटॉप पे वर्क करिए, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए यहाँ मैं कुछ ग्रीनरी ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने वाटर प्लांट्स लगाए हैं। और ये है मेरे कर्टेन्स के लिए ड्रैगन फ्लाई। इसमें सेफ्टी पिन है जिसे हम कर्टेन में टक कर देंगे। इसमें फेरी लाइट लगाऊंगी। फेरी लाइट रात में बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ मैंने एक छोटा सा कंट्रास्ट में ड्रीम कैचर लगाया है जो वाइट पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब साइड की ये प्लेन बॉल बहुत सोवर लग रही है, इसलिए इसको मैंने ड्रीम कैचर से सजाया है। ड्रीम कैचर को यहाँ मैंने किसी नेल पे नहीं हैंग किया है बल्कि स्कॉच टेप से चिपकाया है। स्कॉच टेप वॉल पे अच्छे से स्टिक हो जाता है और इसे जब आप हटाएंगे तब आपका पेंट भी नहीं आएगा। इस तरीके से इस वॉल को मैंने ड्रीम कैचर से डेकोरेट कर दिया। इट लुक्स अमेजिंग। इस तरीके से मेरा बहुत ही कम खर्चे में एक कोजी कॉर्नर बनके तैयार हो गया। अगर मैं यहाँ कभी सिटिंग नहीं करती हूँ तो इस ट्रंक पे मैं कुछ डेकोरेट भी कर सकती हूँ, लाइक प्लांट्स या कुछ आर्टिफैक्ट इस पर मैं रख के इसे डेकोरेट कर सकती हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस हमारे घर की ब्यूटी को इन्हेंस तो करते ही हैं, साथ में कहीं ना कहीं हमें बिजी भी रखते हैं। आप भी करिए मेरे साथ अपने घर में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।